आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, बिल्किस बानो गैंग रेप केस में लगभग 11 कॉन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया है। तो हम एक एक चीज को की बात करेंगे और ये क्या केस था। बहुत ही हीनियस क्राइम था, बहुत ही ब्रूटल क्राइम था, एंड इट इज प्रूवन। यहाँ पर जो कॉन्विक्ट्स थे, कॉन्विक्ट्स क्या मतलब, उनको सजा हो गई थी, 14 साल बाद उनको रिहा कर दिया। एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल ने ये बोला कि इन्होंने 14 साल जो है वो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इनको रिहा कर दिया। ह्यूमन राइट्स लॉयर शमशेद पठान ने एक चीज़ बोली है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े क्राइम नहीं किए हैं लेकिन अभी तक वो सज़ा काट रहे हैं और यहाँ पे इनको जो है वो रिहा कर दिया। खैर, ये आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या मानना है। फिलहाल आप एनसीईआरटी हमने पूरी अपडेट करनी शुरू कर दी है। 22 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी, हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू। तो इस पे अभी 25% ऑफ चल रहा है, 22 अगस्त के बाद से प्राइजेस दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर अवेल करें, अभी आप अवेल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 22 अगस्त से अपडेट होगी, ओके। तो कौन है बिल्किस बानो? देखो, आपको पता ही है कि 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था, सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्किस बानो जो है, जब दंगे हुए, ठीक है, जब ट्रेन जलाई गई, तो उसके बाद ये अपने गांव में चली गई। अब ये शी फ्लेड टू हर विलेज और उस समय ये 21 साल की थी, जो कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आता था। 15 और मेंबर्स थे, ठीक है, 15 और मेंबर्स थे और उस समय ये प्रेग्नेंट थी, समझ रहे हैं। ये मतलब इनकी जो बेटी थी वो 3.5 साल की थी और ये भी प्रेग्नेंट थी उस समय। तो हुआ क्या कि ये अपने गांव गई। अब वहां पे जो फील्ड्स, खेत थे, वहां पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ छुपी हुई थी। अब हुआ क्या कि एकदम से 20 से 30 लोग आए, इन पे हमला किया और 7 मेंबर्स को जो है वो मार डाला, ठीक है, 7 मेंबर्स को मार डाला। देन इनके साथ गैंगरेप किया और ऐसा बोला जाता कि इनकी 3.5 साल की बेटी को लिया और उनको, उसको भी मार दिया। ये इतना ज्यादा हीनियस क्राइम था, इतना ज्यादा ब्रूटल था, समझ रहे हो। और यही हुआ, मतलब लगभग जो भी फैमिली मेंबर्स थे उन सभी को ही मार डाला। अब उसके बाद 3 मार्च 2002 भाई फैमिली छप्पड़वार विलेज जब पहुंची, ये हुआ था। देन उसके बाद मामला जो है वो सीबीआई के पास गया, सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने इसकी जांच जो है वो शुरू की। अब सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि जो यहां पे जिनको मारा गया था उनका सर नहीं था, उनका सर जो है वो धड़ से अलग था, यानी कि पहचान ना हो पाए। देखिए, बॉडीज का जब सर, बॉडीज के सर को जब अलग किया जाता है तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि बॉडीज की शिनाख्त ना हो पाए, कोई पहचान ना पाए। तो ये सीबीआई ने देखा। अब उसके बाद फिर कोर्ट ने सजा सुनाई। अब जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भाई इनको हुई सजा काफी वक्त तक, मतलब उम्र कैद भाई, क्योंकि भी हीनियस क्राइम था। अब 14 साल से ये सजा काट रहे थे। पहले कोर्ट जो केस है ना वो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुआ था, मुंबई इसलिए शिफ्ट हुआ था, इन्होंने रेमिशन की क्या, अच्छा खैर उस पर मैं बताऊंगा, मुंबई इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर था और अगर गुजरात में केस होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब उसके बाद क्या, जो सजा काट रहे 11 आरोपी थे, आरोपी क्या, जो कॉन्विक्ट्स थे, ठीक है, जिनके ऊपर ये साबित हो गया था, गैंगरेप तो प्रूव हो गया था कि इन्होंने गैंगरेप किया है, तो इन्होंने रिमिशन्स की याचिका दायर करनी शुरू की। हमको रिमिशन मतलब होता है कि सजा को कम करना, ठीक है, जैसे 20 साल सजा है तो उसको कम कर दो, ठीक है। तो वो एक के बाद एक याचिका दायर की। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काम करो, तुम इधर उधर भटक रहे हो, कभी गुजरात जा रहे हो, कभी महाराष्ट्र जा रहे हो, तो गुजरात सरकार ये मामला देखेगी, गुजरात सरकार के पक्ष में बॉल डाल दी। अब गुजरात सरकार ने फिर यहां पे पैनल बनाया और उसके बाद ये पता चला कि, मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया 15 अगस्त को कि इनको रिलीज कर दिया जाए क्योंकि इन्होंने 14 साल तक सजा काट लिया और इनका कंडक्ट जो है वो अच्छा है, तो एक तरीके से इनको रिलीज कर दिया गया। तो इसी पे काफी ज्यादा बवाल है। बाकी आप देख सकते हैं कि बिल्किस थी उनकी मां, ये कहानी है पूरी की पूरी, और 3 और औरतें को रेप किया गया एंड देवर ब्रूटली असॉल्टेड। 17 मेंबर्स में से 8 को मार दिया गया, मैंने शायद 7 बोला था, 8 को मार दिया गया, 6 जो है देवर मिसिंग। बिल्किस एक आदमी और इनकी जो 3 साल की बच्ची थी, ठीक है, वही अटैक को सर्वाइव कर पाई। उसके बाद ये बेहोश थी और उसके बाद फिर किसी तरीके से ये हॉस्पिटल पहुंची और यहां पे सीबीआई ने यही देखा। ये भी एक जो सोमाबाई गोरी था, ये उस समय जब ये, क्योंकि भाई बेहोशी की हालत में गई है, किसी तरीके से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई, तो यहां पे इनके ऊपर भी, हेड कांस्टेबल के ऊपर भी ये आरोप लगा कि इन्होंने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया, ठीक है, मतलब जो घटना थी वो नहीं बताई, अलग घटना बताई, पूरा डिस्टॉर्टेड वर्जन।
अब उसके बाद फिर पब्लिक हॉस्पिटल ये गई और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, ठीक है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। तो सीबीआई ने फिर ये कंक्लूड किया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद कि भाई ये समझिए कि बहुत ही गड़बड़ हुई है, ठीक है, यहां पे कॉन्विक्ट्स को बचाने की पूरी कोशिश की गई थी और सीबीआई ने ये बोला था कि ये जो लोग मारे गए हैं, ठीक है, उनके सर ही अलग है, यानी कि जो 7 बॉडीज मिली है दे डिड नॉट हैड, सिर्फ उनके पास स्कल्स है, मतलब दे डिड नॉट हैव बॉडीज, सॉरी हेड, ताकि इनकी पहचान ना की जा सके। तो हेड्स जो है, हेड ऑफ द कॉर्पसेस हैव बीन सीवियर, मतलब इनको खत्म कर दिया, तो काट के फेंक दिया वो कहीं पे, ठीक है, दे वर मिसिंग, ऑटोप्सी में यही सामने आया। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ट्रायल से जो है वो महाराष्ट्र से शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, गुजरात से महाराष्ट्र, प्ली भी ऐसे ही, पहले महाराष्ट्र गए फिर गुजरात गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई गुजरात ही जाओ, ठीक है, जिनको भी यहाँ पे रिमिशन लेनी है, इनमें से एक था, एक बंदे ने महाराष्ट्र में प्ली लगाई थी, एक बंदे ने गुजरात में प्ली लगाई थी, बोला कि नहीं, फिर फाइनली गुजरात पे ही है, उन्हीं के पास बॉल डाल दी और यही बोला कि भाई वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी दौरान मिल्किज़ बानो को बहुत ज्यादा दिक्कत भी हुई, डेथ थ्रेट्स भी उनको मिली। 2008 में जो जनवरी में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था, 11 लोगों को सजा दी, कंस्पायरिंग टू रेप अ प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर, अनलॉफुल असेंबली, एंड ऑफ चार्जेस अंडर अदर सेक्शन ऑफ दी आईपीसी, और जो हेड कांस्टेबल उनको भी सजा की कि भाई तुमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड, क्योंकि यहां पे जो कंप्लेन थी गलत थी ना भाई, कांस्टेबल के पास ताकत थी, उसने गलत कंप्लेन लिख दी, तो उसको भी सजा मिली। अब देखिए 7 लोगों को, टोटल 18 थे, 18 लोगों को पकड़ा, 7 लोगों को छोड़ दिया क्योंकि एविडेंस नहीं था, कोर्ट जो है ना वो एविडेंस से चलता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब कोर्ट ने यही बोला कि जो जसवंत भाई नाई, ये जितने भी लोग हैं आप देख सकते हो, दे हैड रेप्ड बिल्कीस और उन्होंने जो शैलेश, जो ये इनकी डॉटर थी, मतलब शैलेश भट्ट जो है, हैड किल्ड हर डॉटर, मतलब ये आदमी था, इन्होंने इनकी डॉटर को मारा। अब ये देखिए स्मैशिंग हर ऑन द ग्राउंड, 3.5 साल की बच्ची का सर पकड़ के ऐसे जो ग्राउंड था ना उस पर ऐसे पटक पटक के मार दिया, ठीक है, ये चीज है। और बाकी जो कन्विक्ट है आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग डिस्पाइट बिस्टैंडर्स, मतलब होता है खड़े होकर देखना, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग बिस्टैंडर्स टू द क्राइम, यानी कि आप बहुत लोगों ने, जैसे जिन लोगों ने ये काम किया, ठीक है, रोक भी सकते थे, 20 से 30 लोग आए, सब में थोड़ी ना इंसानियत मर गई, कुछ लोग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो खड़े होकर देखते रहे, अक्यूज दे वर कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर एज बीन पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे 11 कॉन्विक्ट्स को सजा दी गई। अब उसके बाद मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि देखो सजा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, उम्र कैद की सजा दी गई थी, एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो भैया बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन इसमें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप 50 लाख रुपए देंगे एज कॉम्पनसेशन। अब इन्होंने, हालांकि यहां पे मिल्किज़ बानो ने 50 लाख था फिर 5 लाख किया, इन्होंने एक्सपेक्ट ये कर दिया कि मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये फैसला आया है कि जब गुजरात में गया ये, तो गुजरात ने फिर पैनल बनाया और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया, ओके। अब डेफिनेटली यहां पे मिल्किज़ बानो और उनके लॉयर केस फाइल करेंगे, काउंटर केस फाइल करेंगे, 110% ये होने ही वाला है कि ऐसा क्यों हो गया, और ये मामला जो है वो कोर्ट में चलेगा। फिलहाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये सही है, मतलब देवर कॉन्विक्ट्स, मतलब ये कॉन्विक्ट हो गए हैं, ऐसा भी नहीं कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये एकदम प्रूव्ड है कि गैंगरेप हुआ था, ठीक है। तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हमारे एनसीईआरटी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।